साल 2014 में कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया बेहद रोमांचक सीरियल शास्त्र सिस्टर तो आपको याद ही होगा, जिसमें नारायण की चार बेटियां कानपुर के छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली जाती हैं, जहां उन्हें कई तरह के नए परिवेश से रूबरू होना पड़ता है और इसी दौरान वो दिल्ली में रहने वाले युवाओं को अपना दिल दे बैठती है, जिसके चलते सीरियल में नारायण के बेटियों के साथ साथ उनके लाइफ पार्टनर के किरदार को भी खूब पसंद किया गया था, जिसके चलते ये सीरियल टीआरपी के मामले में टॉप पर रहा। पर दोस्तों, आज इस सीरियल को प्रसारित हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं और इन बीते 5 सालों में ये कलाकार काफी बदल गए हैं। जहां कुछ ने अपना करियर आज भी बरकरार रखा है, तो वहीं कुछ अपने करियर को विराम देकर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल में नजर आए कुछ चुनिंदा कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, जो इन 5 सालों में बहुत बदल गए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार। नंबर 1, नेहा पेडनेकर। सीरियल में नारायण की सबसे बड़ी बेटी अलका शास्त्री का किरदार निभाकर हर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री नेहा पेडनेकर ने अपने इस किरदार के जरिए खूब वाहवाही लूटी। लेकिन पिछले 5 सालों में अभिनेत्री नेहा काफी बदल गई हैं। आज उन्होंने अपनी 31 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बता दें कि अभिनेत्री नेहा पेडनेकर पहले की तरह आज भी सिंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहती हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें वर्तमान में सीरियल लाल इश्क में अभिनय करते हुए देखा जा रहा है। नंबर 2, सोनल वेंगलुरकर। इस सीरियल में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर देवयानी शास्त्री की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का रियल नेम है सोनल वेंगलुरकर, जिन्होंने अपने इस किरदार के जरिए जमकर तारीफ बटोरी। लेकिन सीरियल में देवयानी शास्त्री के किरदार में नजर आई अभिनेत्री सोनल आज काफी बदल गई हैं। आज उन्होंने अपनी 27 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जो दिखने में पहले से काफी ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश नजर आती हैं, जैसा कि ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। बता दें कि सोनल आज भी एक सिंगल लाइफ जी रही हैं और इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो फिलहाल लाल इश्क सीरियल में सहायक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। नंबर 3, इशिता गांगुली। सीरियल में रजत की धर्मपत्नी अनुष्का शास्त्री की भूमिका में नजर आई अभिनेत्री इशिता गांगुली ने अपने सादगी भरे किरदार से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन इन बीते 5 सालों में सीरियल में सिंपल अंदाज में नजर आई अभिनेत्री इशिता गांगुली काफी बदल गई हैं, जो आज 28 साल की उम्र में पहले से भी ज्यादा सुंदर और गॉर्जियस नजर आती हैं। लेकिन सीरियल में एक शादीशुदा महिला की भूमिका निभाने वाली इशिता गांगुली ने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है और फिलहाल मुंबई में रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा हुआ है और ये भी फिलहाल लाल इश्क सीरियल में नजर आ रही हैं। नंबर 4, प्रगति चौरसिया। सीरियल में नटखट और चुलबुली प्रिया शास्त्री के किरदार को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसे अभिनेत्री प्रगति चौरसिया ने बेहद खूबसूरती से निभाया और खूब सराहना हासिल की। लेकिन सीरियल में प्रिया शास्त्री की भूमिका में नजर आई अभिनेत्री प्रगति चौरसिया इन बीते 5 सालों में पहले से भी ज्यादा बदल गई हैं, जो आज पहले से काफी ज्यादा स्टाइलिश हो गई हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री प्रगति चौरसिया ने सीरियल के बाद किसी और सीरियल में काम नहीं किया, जो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। नंबर 5, विजेंद्र कुमारिया। इस सीरियल में अभिनेता विजेंद्र कुमारिया ने लीड एक्टर के तौर पर रजत का किरदार निभाया था, जिन्होंने अनुष्का के हस्बैंड के तौर पर एक जिम्मेदार पति की भूमिका निभाकर दर्शकों से खूब चर्चा बटोरी। लेकिन अभिनेता विजेंद्र कुमारिया इन 5 सालों में काफी बदल गए हैं और 33 साल के हो गए हैं और काफी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश नजर आते हैं। बता दें कि सीरियल में एक शादीशुदा व्यक्ति की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विजेंद्र आज प्रीति भाटिया के साथ शादी के बंधन में बंधकर एक प्यारी सी बेटी के पिता बन गए हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को जारी रखा है, जिन्हें हाल ही में आए सीरियल इश्क में मरजामा में अभिनय करते हुए देखा गया। नंबर 6, सुमित भारद्वाज। सीरियल में देवयानी के प्रेमी नील सुरेंद्र के किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाने वाले अभिनेता सुमित भारद्वाज अपने इस किरदार के जरिए पॉपुलर हुए थे। लेकिन इन 5 सालों में अभिनेता सुमित भारद्वाज काफी बदल गए हैं, जिन्होंने आज अपनी 28 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है और आज ही अपनी 28 साल की उम्र में काफी ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग दिखते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बता दें कि अभिनेता सुमित भारद्वाज ने पहले की तरह आज भी अपना घर नहीं बसाया है और फिलहाल अपनी फैमिली के साथ मुंबई के अंधेरी में रह रहे हैं, जो आज भी अपने अभिनय करियर में एक्टिव हैं, जो लास्ट टाइम सीरियल कयामत की रात में अभिनय करते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, आपको सीरियल शास्त्र सिस्टर्स में इन कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा था,
आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।